ये जो इसमें जो पीस डाले जाते हैं, 3 किलो का एक पीस डाल जाता है ना अंकल जी, एक पीस दिखाएंगे जरा। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस इसके अंदर डाले जाते हैं, देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GD2 एक्सप्लोर। आज हम आ गए जामा मस्जिद में सबराती निहारी वालों के पास, या इनकी निहारी खाने। इनकी निहारी पूरे दिल्ली में और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो निहारी है ये 1957 से यहाँ पर ये निहारी बना रहे हैं, और 1957 से इसी कॉर्नर पे ये दुकान को चला रहे हैं, और ये तब से दुकान का जो साइज़ है ऐसी है, और अभी भी इसे उसी पुराने तरीके से बनाया जाता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं निहारी बनती कैसे है। अब हम आ गए गाइस दुकान के अंदर। यहाँ पर देखिए इस डेग में, ये 60 किलो का डेग है अंकल जी, मैं बता रहे हैं 60 किलो का डेग है। 60 किलो में इस निहारी को बनाया जाता है, दम लगाया जाता है, 7-8 घंटे इसको बनाने में यहाँ पर लगते हैं, और 7-8 घंटे के बाद ये निहारी तैयार होती है। शाम को ये निहारी कितने बजे खुलती है? शाम को निहारी 6 बजे खुलती है। 6 बजे खुलती है, मैं आप अभी इसलिए पूछ रहा हूँ 6 बजे खुलती है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी बस खत्म ही होने वाला है, हम बिल्कुल टाइम पे पहुंचे वरना निहारी खत्म हो जाती। अब ये 6 बजे स्टार्ट हुई है, और 6 बजे स्टार्ट होने के बाद आप देखिए 60 किलो के भगोने में, 60 किलो के डेग में थोड़ी सी निहारी बची है, और ये भी अभी जल्द की खत्म हो जाएगी। अभी हमें एक चीज बता रहे थे अंकल जी कि ये जो इसमें जो पीस डाले जाते हैं, 3 किलो का एक पीस डाल जाता है ना अंकल जी, एक पीस दिखाएंगे जरा। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस इसके अंदर डाले जाते हैं, देखिए पूरा पूरा गोश्त इसके अंदर डाल जाता है, फिर इसमें बहुत घंटों तक इसे 6-7 घंटों तक इसको पकाया जाता है, तब ये जाके इतना सॉफ्ट और इतना गल जाता है कि ये आसानी से लोगों के मुंह में घुल जाता है, और इतने बड़े बड़े पीस को यहाँ पर बनाया जाता है, तो ये अपने में ही लाजवाब है। मैं आपको एक और यहाँ की एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आइए आप मेरे साथ। यहाँ पर देखिए इस तंदूर में कोयला नहीं है, इस तंदूर में देखिए ये जो रोटियां पक रही है ये गैस से पक रही है, और इसका कंट्रोलर देखिए वो सामने है, वहां से इस गैस की जो आंच है उसको कंट्रोल किया जाता है कि कितना इसको बढ़ाना है कितना कम करना है। इसका ये फायदा है कि एक तो एनवायरनमेंट के लिए तो फायदा है कि कोयला कम जलेगा तो एनवायरनमेंट के लिए लकड़ियां कम कटेगी, वो भी इसका फायदा है, और ये है कि जब आप इसे बंद करना चाहो, जब आप रोटियां नहीं बना रहे तो आप इसे बंद ही कर सकते हो, तो इसके दोनों फायदे हैं। और यहां पर देखिए इस रोटियों को इसी आंच में धीमी आंच में, इसी गैस की धीमी धीमी आंच में इस रोटियों को बनाया जाता है, और देखिए भाई यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के निहारी खा रहे हैं और निहारी का जायका ले रहे हैं। यहाँ पर अंकल जी भी बैठे हैं, अंकल जी से पूछते हैं कि कैसी बनी है निहारी। अंकल जी कैसी बनी है निहारी? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप कब से आते हैं यहाँ पर? मैं काफी टाइम से आता हूँ। कितने साल हो गए? मुझे तो सालों हो गए। सालों हो गए, याद भी नहीं है देखिए अंकल जी को कब से यहाँ पर निहारी खाने आ रहे हैं, ये भी याद नहीं है। अभी एक रोटी खत्म हुई है, अब दूसरी रोटी आ चुकी है। अंकल जी बताइए कि क्या ऐसा खास क्या है यहाँ की निहारी में? देखिए खाने का जो लिंक है वो सीधा सीधा जायके से है। जायके से है, अगर जायकेदार खाना है, लजीज है, तो आदमी दूर से खींचा हुआ आता है। दूर से खींचा। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए बताइए? आया हूँ कीर्तिनगर से। कीर्तिनगर से यहाँ पर निहारी खाने आए अंकल जी बस, और बहुत सालों से आते हैं। चलिए अंकल जी ऐसे आते रहिए और ऐसी ये जायका बढ़ाते रहे। स्कूल टाइम से मैं यहाँ पे, व्हेनेवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं यहाँ पे आता हूँ। कभी मेरे दोस्त आते हैं, कभी मैं निकल रहा हूँ, तो मुझे जायके का बहुत शौक है, तो मैं आता हूँ खाता हूँ। देखिए भैया वही बोल रहे हैं कि सालों से यहाँ पर आते हैं, अपने स्कूल टाइम से अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर निहारी खाने आते हैं, क्योंकि इस निहारी का जायका ही ऐसा है कि दूर दूर से लोगों को खींच के ले आता है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1957 से निहारी बना रहे हैं, 1954 से बना रहे हैं वैसे, और 1957 में लाइसेंस देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था, तो 1957 में इनको लाइसेंस मिला था, इनका लाइसेंस भी यहाँ पर लगा हुआ था, इनका लाइसेंस इनको मिला था 1957 में, और तब ये लाइसेंस, तब से माना गया है कि तब से ये दुकान चल रही है, मगर ये दुकान जो स्टार्ट हो गई थी 1954 में स्टार्ट हो गई थी। गाइज अब हमारी निहारी आ चुकी है, और मैं पहली बार निहारी अपनी लाइफ में टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी निहारी नहीं खाई है, और पहली बार मैं ऐसी जगह की निहारी खा रहा हूँ जो पूरी इंडिया में और पूरी दिल्ली में फेमस है, और ये निहारी मैंने आपको दिखाई दिया, इतने सालों से निहारी बना रहे हैं, तो पहली बार मैं लाइफ में निहारी ट्राई कर रहा हूँ, और आई एम हैप्पी
कि मैं इनकी निहारी ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए निहारी का पहला बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कि निहारी बनी कैसी है। सच में गाइस, मैं फर्स्ट टाइम निहारी खा रहा हूँ। मेरे को पता तो नहीं निहारी होती कैसी है, मगर जो इसका टेस्ट है वो सच में लाजवाब है। इसके ऊपर अदरक को बारीक काट के डाला हुआ है और उसके साथ मिर्ची डाली हुई है, और इसके अंदर अगर मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ तो मक्खन भी डाला हुआ है। जो मक्खन का टेस्ट आ रहा है आप ऊपर देख भी सकते हैं, मक्खन इसके ऊपर तैर रहा है और मक्खन भी ऊपर से इसमें डाला हुआ है, और खूब इसे बनाया गया है और 7 घंटे इसमें लगे हैं कि पता चल रहा है। आप देखिए पीसेस इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि हाथ में ऐसे बारीक करके आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इतने बारीक हो चुके हैं पीसेस। तो इसको इतनी देर तक इसलिए पकाया जाता है क्योंकि मुंह में डालते ही ये घुल जाता है। सच में आपको इन पीसेस को चबाने की जरूरत भी नहीं है, आपको इन टुकड़ों को चबाने की जरूरत भी नहीं है। बिना चबाए आप बस अपने मुंह में डालेंगे तो टुकड़े आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। अब हम अपनी निहारी खत्म कर चुके हैं और शिवरात्रि निहारी वाले सचमुच दिल्ली की सबसे बेहतरीन निहारी बनाते हैं। आप भी यहाँ पर आइए और इनकी निहारी जरूर ट्राई कीजिए। एड्रेस मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा एंड होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतरीन जायके के साथ।